हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 48 चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो साइज़ थोड़ी प्लस साइज़ में आ रही है, इसीलिए मैंने पेपर जो है वो डबल लिया है और बड़ा लिया है। तो यहाँ पर पेपर को हम डबल रखेंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद आपको किसी भी तरह से ब्लाउज के ऊपर बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली पेपर कटिंग को ब्लाउज पीस के ऊपर रख के कट कर सकते हैं, बहुत परफेक्टली ब्लाउज बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर कटिंग के लिए मैंने डबल पेपर लिया है। दोनों पार्ट जो है, फ्रंट और बैक दोनों एक ही साइड साथ में हम अलग करेंगे, इसके लिए डबल डबल मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लाउज की जो हाइट है उसको गिनते हैं। तो आपके ब्लाउज की जितनी भी हाइट है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर लेना है। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज की जो हाइट है वो 15 इंच है, तो मैं यहाँ पर 16 इंच के लिए मार्क कर रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा आपको मिलाकर लेना है। स्टिच करने के बाद आपका 1 इंच कम हो जाता है, जैसे ऊपर नीचे दोनों साइड से हाफ हाफ इंच के लिए फोल्ड होता है, तो यहाँ 1 इंच कम हो जाता है। इसीलिए जब आपको 15 इंच का ब्लाउज चाहिए तो आपको 16 इंच की हाइट लेनी है, अगर 14 इंच का चाहिए तो 15 इंच की। इस तरह से 1 इंच आपको बढ़ाकर हमेशा लेना होता है। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई को लेंगे। मैं 48 साइज के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर देखो 3 इंच के लिए मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ और 3.25 इंच के लिए मैं ले रही हूँ शोल्डर पट्टी। 3.25 से लेकर 3.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको आर्महोल जो है वो लेना है 7 इंच के लिए, तो 7 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब आर्महोल का जो साइड है इसको जोड़ते हैं, तो इस तरह से आर्महोल की साइड आपको जोड़ देनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 48 साइज के लिए हम बना रहे हैं, तो 48 का आपको फोर्थ भाग यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर 12 इंचेस होता है 48 का फोर्थ भाग। इसमें आपको 1.5 या 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा मार्जिन को रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, तो ये 13.5 इंच मतलब 13.5 इंच के लिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। अब जहाँ पर आपने हाइट को पूरा नापा है, जैसे यहाँ पर आपने हाइट को पूरा नापा है, यहाँ पर आपको कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ध्यान रखने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ये कमर का चौथा भाग, फिर उसमें 1.5 इंच मिलाओ, फिर वहाँ पर आपने जैसे 13.5 इंच लिया है तो नीचे आपको 12.5 इंच लेना है। 1 इंच कम करके लीजिए, यहाँ पर कमर का भाग जो है वो बराबर से आ जाता है। अब देखो यहाँ पर भी हमने ले लिया है, तो इस वाली साइड को इस तरह से हम जोड़ते हैं। और यहाँ से जो हमने 13.5 इंच लिया था, इस वाली साइड को इस तरह से जोड़ के अब हमको यहाँ पर तिरछा जोड़ना है। इस तरह से हम तिरछा यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब देखो ये तिरछा जुड़ा है, ये हमारे कमर का चौथा भाग है और ये चेस्ट साइज का चौथा भाग है। अब हमको यहाँ पर इस तरह से घुमाकर थोड़ा सा 1.5 इंच के लिए हम पीछे का आर्महोल लेंगे, 1.5 इंच अंदर लेना है, 1.5 इंच के लिए यहाँ पर लेंगे। और फ्रंट साइड का जो आर्महोल है इसको हम लेंगे 1 इंच के लिए। तो यहाँ पर 1 इंच और 1.5 इंच के दो निशान हो गए हैं। ये बैक साइड का आर्महोल है, ये फ्रंट साइड का है। अब पेपर को हल्का सा यहाँ पर घुमा लेंगे और आर्महोल का जो निशान है वो लगा देंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्महोल है जो 1.5 इंच अंदर है, और ये जो है हमारे फ्रंट साइड का आर्महोल है, इसको भी हम इस तरह से गोलाई का निशान लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने दो निशान लगा दिए, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए, दोनों साइड एक ही साथ में निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों भी यहीं पर निशान मैंने लगा दिए हैं। अब हमको आगे का गला नापना है, तो यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे और आगे के गले को नापेंगे। आगे का गला मैं रख रही हूँ यहाँ पर 7 इंच के लिए, तो 7 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। देन वापस एक बार 3 इंच के लिए भी यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। यहाँ पर कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। अब इस वाले पार्ट को इस तरह से हम स्क्वायर में जोड़ देंगे। यहाँ पर आप किसी भी आकार का गला बना सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर गोलाकार दे रही हूँ, तो 1 इंच अंदर गिन के इस तरह से गोलाकार का गला आपको बनाना है। आप कोई भी आकार यहाँ पर दे सकते हैं। अब हमको साइड पट्टी, जिसको आप क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं, बेल्ट का पार्ट भी बोलते हैं, तो इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको इस वाली साइड से गिनना है। इस वाली साइड से मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच के लिए, दूसरी वाली साइड से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच के लिए। एक निशान हम 2.5 इंच के लिए भी लगा देते हैं। ठीक है, तो जो हमने 2.5 इंच के लिए दो निशान लगाए हैं, इन दोनों भी निशानों को एक साथ जोड़ देंगे पहले। अब जो 3.5 इंच के लिए निशान लगाया है, इस वाले निशान को
यहाँ 4.25 इंच तक आगे इस तरह से झुकाते हुए ले लेंगे। यह गोलाकार हमको इस तरह से बनाते हुए लेना है और इसको यहाँ तक जोड़ देना है। ये जो जगह लिया है मैंने, ये 4.2 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लिया है, मतलब 4 या 4.25 इंच तक आप इस निशान को आगे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है और इसी लाइन के ऊपर टेप को आप सीधा रखेंगे और यहाँ पर आपको कटोरी का जो पार्ट है इसको गिनना है। देखो हम 48 साइज के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 7.25 से लेकर 7 इंच की कटोरी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7.25 इंच के लिए रख रही हूँ, आप पूरी 7 इंच के लिए भी इसको रख सकते हैं। और जो हमारा आर्म होल का पार्ट है यहाँ से भी आपको इस तरह से गिनना है, तो यहाँ भी मैं 2.25 इंच के लिए निशान लगा रही हूँ और जहाँ गले की साइड है वहाँ पर भी आपको 1/2 इंच के लिए, मतलब 1/2 इंच के लिए निशान लगाना है। अब देखो 3 निशान यहाँ पर लग गए हैं, तीनों भी हमको एक साथ जोड़ने हैं। जोड़ते वक्त हाथों को उठाइएगा मत, क्योंकि गोलाई का निशान जो है वो बराबर से फिर नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको जोड़ते हुए यहाँ तक लाना है। ये देखो, तो ये हमारी कटोरी की साइड बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आपको इसकी कटिंग करनी है। दोनों पार्ट आप अलग अलग निकाल रहे हैं, नीचे का पार्ट आपको अलग निकालना है, तो ध्यान से कटिंग करिए। यहाँ पर आपको 3 लाइंस का थोड़ा सा डाउन देना है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को कंधा गिरने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर डाउन देना ज़रूरी होता है। अब फ्रेंड्स कटिंग कर देंगे, नीचे की साइड से आपको कटिंग करना शुरू करना है। यहाँ पर यहां से भी और अब हम बैक साइड का आर्म होल कट करेंगे पहले, इसके बाद हम फ्रंट साइड के लिए आर्म होल कट करेंगे। सबसे पहले बैक साइड को हम हटा लेंगे, इसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करने वाले हैं। तो बैक साइड का आर्म होल कट करते हुए आपको इस तरह से बाकी का पेपर अलग करना है और इस वाली साइड को भी, दोनों भी पेपर साथ रख के आपको यहाँ तक कटिंग करनी है। अब देखो इतना होने के बाद आपको बैक साइड का पार्ट अलग दिखेगा और फ्रंट साइड का अलग। अब यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए कटिंग करेंगे, तो जो फ्रंट साइड का आर्म होल है इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट साइड की कटिंग करेंगे। गोलाई में जैसे आपने निशान लगाया है ऐसे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट साइड का जो भी गला आपने बनाया होगा उसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारा कटोरी पार्ट है, इसको भी आपको अच्छे से गोलाई में ही कट करना है जैसे आपने गोलाई में इसको निशान लगाया है। तो देखो हमारे सभी पार्ट बिल्कुल अच्छे से अलग हो गए हैं, ये हमारे फ्रंट साइड का पार्ट है। अब हमको कटोरी को अलग बढ़ाना है, हर ब्लाउज की कटोरी को हमको अलग बढ़ाना पड़ता है, तो एक अलग पेपर ले लेंगे, कोई भी बचा हुआ पेपर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बचा हुआ पेपर हमने लिया है और ये कटोरी का पार्ट हमारा, इसके ऊपर हमको रख देना है। देखो सभी साइड से हमारी जगह जो है अच्छे से छूटनी चाहिए क्योंकि हमको इसको आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर इसको एक पिन की मदद से स्टिच कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमको देखो आप चाहे तो आप इसकी आउटलाइन लेकर कटोरी को अलग हटा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से आप एक जगह पर कटोरी को फिट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बनाने में आसान रहता है। अब हमको इसका सेंटर लेना है कटोरी का, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अच्छे से आप जोड़ लेंगे इसको पहले, और सेंटर पार्ट पर एक थोड़ा सा निशान बना देंगे, ये हमारा सेंटर है। अब इस वाले पॉइंट से और सेंटर पॉइंट से हमको आगे बढ़ाना है कटोरी साइड को, तो यहाँ से हम 1.5 इंच के लिए आगे बढ़ाएंगे। नीचे की साइड जो है सेंटर पॉइंट की, तो वहाँ से भी हमको 1.5 इंच के लिए नीचे बढ़ाना है। देन कॉर्नर पॉइंट से भी हमको 1.5 इंच के लिए आगे बढ़ाना है। तीनों भी साइड से हमने कटोरी को आगे बढ़ाया। इस वाली जो ये गोलाई की साइड है यहाँ पर हमको 1/2 इंच के लिए आगे बढ़ाना है, ये हमारा सिलाई मार्जिन होने वाला है। तो यहाँ से आप गोलाई इस तरह से हाथ से लगा दीजिए। अब हमको सभी पार्ट अच्छे से जोड़ने हैं। देखो ये वाला पार्ट जो है हमने लिया, यहाँ तक जोड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट तक अच्छे से जोड़ना है, और ये वाला पॉइंट भी हम इस वाले पॉइंट तक अच्छे से जोड़ देंगे।
अब देखो यहाँ हमने हाफ इंच बढ़ाया है, इस वाले साइड को यहाँ तक आपको गोलाई में जोड़ना है। जैसे आपने कटोरी को पहले गोलाई दी थी ऐसे ही आपको देनी और आगे यहाँ तक जोड़ देनी है। ये देखो तो इस तरह से हमारी कटोरी आगे बढ़ गई है। अब हम कटोरी का ये पार्ट जैसे भी हमने ड्रॉ किया है ऐसे ही हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखो हमने कटोरी को इस तरह से कट कर लिया है। अब हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों भी रेडी है। स्लीव्स की कटिंग आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी, आप कहीं पर भी देखिए किसी भी साइज के लिए। अगर आपको स्लीव्स चाहिए जैसे 10 इंच से लेके 11 इंच तक की स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स, सभी टाइप की स्लीव्स आपको मेरे चैनल पर कटिंग और उनके अच्छे से पैटर्न्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर 48 चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग करी है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप जरूर बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और जरूर सपोर्ट करते रहना चैनल को और इसी टाइप्स की और भी वीडियोस को हमेशा देखते रहना। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।